तो यार हमारा आईटी जेई 2023 का एग्जामिनेशन यानी कि जेई एडवांस 2023 ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इससे पहले कि मैं क्विक दोनों पेपर के एनालिसिस बताऊं और कितने मार्क्स से तुम्हारा आईटी कंफर्म हो सकता है ये बताऊं, सबसे पहले यार मैं तुम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो भी जेई एडवांस एग्जामिनेशन दिए हैं। सबसे पहली चीज, जेई एडवांस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होती है, दो दो पेपर होते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है एट टाइम्स, है ना। इतना हम साल दो साल से पढ़ रहे होते हैं, इतना टफ पेपर इतना अच्छा गया। सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भैया जेई एडवांस तुम सभी लोगों का गया है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, बट स्टिल सभी को ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अब आ जाते हैं भैया पेपर एनालिसिस पे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे को कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे भेजा है भैया, अब पेपर टू का भी रिव्यू मेरे पास अच्छे से आ चुका है तो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली देयर वॉज नो पैटर्न चेंज बाय आईआईटी गुवाहाटी, पैटर्न सेम था, 180 मार्क्स के दो पेपर हुए तुम्हारे, टोटल 360 मार्क्स का पेपर था, इसलिए हमको कंपेरिजन में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जेई एडवांस 2021 और जेई एडवांस 2022 यानी कि पास्ट टू ईयर्स के पेपर भी 360 मार्क्स के पेपर थे, ये भी 360 मार्क्स का पेपर था। और अगर मैं बात करूँ उसकी कि भैया पेपर का लेवल कैसे था, तो देखो भैया आईआईटी गुवाहाटी ने 2016 में कराया था, अपना लेवल बताया था, लेवल काफ़ी तगड़ा है एडवांस पेपर का इस बारी भी, ठीक है। लास्ट ईयर 2022 जैसा ही है, जैसे मेरे को अभी इनिशियल इंप्रेशंस मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के, अभी तक मैंने पेपर ऑफिशियली नहीं देखा है, बट काफ़ी सारे बच्चों जब सेम टाइप के रिव्यूज़ आते हैं तो मतलब वही चीज़ हो रही होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पेपर वन की, ठीक है। पेपर वन में चार सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला था MCQ टाइप, है ना, जहाँ पर तीन MCQ पूछे थे, +4 मिलना था, -2 मिलना था और 0 मिलना था। सेक्शन 2 था, मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा नहीं, बताया नहीं बच्चे ने, बस सिंगल चॉइस होगा, +3 था, -1 था। सेक्शन 3 में इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, जहाँ पर इसने बोला भैया कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 6 क्वेश्चन थे +4 के। और सेक्शन 4 था मैट्रिक्स मैक्स, 4 क्वेश्चन थे +3 -1 था, ठीक है। तो टोटल 180 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर पेपर हो रखा था। अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया कि भैया मैथ्स तो धुआं निकाल देने वाला पेपर हुआ है, पेपर वन की बात करूं मैं, सुबह वाला 9 से 12 वाला, मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी ट्रिकी। बताता हूं कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है बच्चों ने फेस करा। सबसे उन्होंने बताया कि भैया वैक्टर और 3D के काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा, मैट्रिक्स, इलिप्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और पैराबोला और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भैया मेरे को लगा वो काफ़ी टफ लगा इसने बोल रखा है, ठीक है, मैथ्स का। इसके अलावा फिजिक्स तीनों के कंपैरिजन में मुझे 3-4 बच्चों ने बोला कि भैया थोड़ी इजी लेवल की, इजी मतलब मैं इजी नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, इजी नहीं मतलब दोनों से कंपेयर करोगे तो ठीक थी फिजिक्स। फिजिक्स के जो हाई वेटेड टॉपिक थे वो थे थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, कैपेसिटर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स थे। मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट। केमिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडरेट पेपर था, बैलेंस पेपर बिल्कुल नहीं था। बच्चों ने बताया भैया ऑर्गेनिक को कुछ अच्छा ही वेटेज मिला हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स कवर हुआ, दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम कवर हुए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर आया, है ना, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन थे, बायोमोलिक्यूल, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमीन्स से भी क्वेश्चन था और कुछ नेम रिएक्शन भी था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गिवन जो है वेटेज था वो ऑर्गेनिक का था, मॉडरेट पेपर था तुम्हारा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट था, मैथ्स जो है वो हाई लेवल का गया था। फिर आप सभी लोग को ब्रेक मिला, ब्रेक के बाद आया तुम्हारा सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर जो है इस बार मैथ्स हल्का सा लेवल कम करते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री आगे निकल गए। मैथ्स में वेक्टर 3D का एक क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के दो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का एक है, फंक्शन का एक है और ITF का एक है, और एक क्वेश्चन कहीं और से था जिसका चैप्टर मेरे को पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ था मैथ्स का। केमिस्ट्री का पेपर वन से भी डिफिकल्ट था, मोस्टली बच्चों को पेपर टू पेपर वन से भी डिफिकल्ट लगा है, तो केमिस्ट्री पार्ट अबव मीडियम था, टफ साइड था। ऑर्गेनिक के 7 से 8 क्वेश्चन आ रखे थे, इनऑर्गेनिक के सिर्फ 5 से 6 थे, और एक बच्चे ने बोलिया फिजिकल के तो सिर्फ 3 ही दिखे उसको, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक कोई और सब्जेक्ट था। इनऑर्गेनिक का ज़्यादा फोकस क्लास 11th के टॉपिक्स पे था, ठीक है, ये इनिशियल इंप्रेशन केमिस्ट्री का है। और फिजिक्स सबसे टफ आया था सेकेंड अटेम्प्ट में, सेकेंड पेपर में उसने बताया। रोटेशनल के भी 2 क्वेश्चन थे, वेव्स का 1, इलेक्ट्रोस्टैट्स का 1, थर्मो का 1, काइनेमेटिक्स का 1, यूनिट एंड डायमेंशन का 1, लिक्विड के 2 आया था फ्लूइड्स का, है ना, EMI का 1 था, मॉडर्न फिजिक्स का 1 था और ऑप्टिक्स के 2 थे। तो ओवरऑल मैथ्स के लेवल को हल्का नीचे करते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऊपर ले जाया गया सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर में मैथ्स को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया था। तो समझ सकते हो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आ रखा था। अब बात आती है भैया
ठीक है पेपर तो हो गया, 360 मार्क्स का पेपर था जैसे लास्ट टू ईयर्स में आते हैं, तो अब हमको फटाफट से ये बता दो कितने मार्क्स में मेरा आईआईटी में एडमिशन हो सकता है। तो यार देखो सिंपल सी चीज़ है, लास्ट ईयर के अराउंड का ही पेपर ये मेरे को लग रहे हैं, स्टिल मैं पेपर देख लूंगा तो ज़्यादा कमेंट कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी एग्जैक्ट स्कोर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के ही बता रहा हूँ। एक जनरल बच्चा जिसका स्कोर 95 टू अगर 100 बैठ रहा है वो अपने आप को आईआईटी के लिए सेफ मान सकते हैं, जस्ट एंट्री इनटू आईआईटी, ठीक है जस्ट एंट्री इनटू आईआईटी। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 10-15 नंबर कम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है 80-85 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एससी एसटी वाले 60-70 के अराउंड एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये नंबर और कम हो सकता है, अगर वाकई मैंने पेपर देखा कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग होगा तो ये और नीचे जा सकता है, बट एक जनरल बच्चे को 95 प्लस पे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसको आईआईटी मिलेगी 360 के पेपर में, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया है, कौन सी आईआईटी फेवरेट है, और तुम अपना कुछ कमेंट करना चाहो भी ये पेपर ऐसा नहीं ऐसे आया था, स्टूडेंट ने गलत बता दिया, जो भी आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है मेरे को फटाफट से बताओ। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट तुमको यहाँ पर मिलते रहता है, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू।